डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 9। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्लास 9 का 3.3 एक्सरसाइज का है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2.4, 3.-1, -1.0, 1.2 एंड -3.5 लाई। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टिजन प्लेन। तो यानी जो इसका जो सॉल्यूशन होगा आपके पास, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपका x एक्सिस और y एक्सिस। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा क्या है, y एक्सिस। तो ये x होगा तो आपका ये क्या होगा, x डैश होगा। ये y है तो ये क्या होगा, आपका y डैश होगा। ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन मीन्स 0 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7। सेम टाइप्स आपका डाउनवर्ड होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट आपका -2.4, यानी x आपका -2, तो x आपका -2 यहाँ पर है और y आपका 4 ऊपर की तरफ होगा यहाँ पर, तो आपका जो पॉइंट लोकेट होगा वो यहाँ पर आएगा। यानी -2 आपका x और y आपका क्या होगा, 4। y क्या होगा आपका, 4। तो आपके पास ये पॉइंट होगा, ये क्या होगा, -2.4। अब हमने आपके इंट्रोडक्शन वीडियो में देखे थे, आपके पास जो क्वाड्रेंट होते हैं वो 4 होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपका जो -2.4 होगा वो लाई करेगा किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। किसमें लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेम टाइप से आपके पास जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है, उस पॉइंट को देखेंगे क्या है, 3.-1, यानी 3 आपका x, x यानी आपका 3 ये है और y आपका -1 ये है। तो जो पॉइंट होगा ये होगा 3.-1। तो आपके पास क्या होगा, 3-1 ये पॉइंट होगा और ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट आपका -1.0, तो -1 यानी x आपका -1 होगा और y क्या होगा आपका, 0 होगा। x आपका -1 यहाँ पर है और y 0, मीन्स ये होगा ये पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा आपका, कौन सा पॉइंट है, -1 और 0। तो मीन्स कहीं ना कहीं ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा आपका, x एक्सिस पर। कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पर करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास 1 2, आपके पास 1 2, x क्या है, 1 है, y क्या है आपका, 2 है। तो पॉइंट कहाँ आएगा आपका, यहाँ आएगा। जो ये आपका पॉइंट होगा ये क्या है आपका, 1 2, तो ये आपके किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। नेक्स्ट -3.-5, तो -3 -5 -3 x आपका ये है, -5 आपका y ये है, तो जो ये पॉइंट होगा ये यहाँ पर आएगा। -3.-5 यानी आपके पास ये किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ से हमें, हमारे पास क्लियर है कि आपके पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें आपके पास दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड में आपके पास एक्स नेगेटिव होगा और वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड में आपके पास दोनों क्या है, नेगेटिव। और फोर्थ में क्या आपका, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो यहाँ से आपके पास ये प्लेन है, इससे आपने
बताएं कि आपके जो ये पॉइंट होंगी किस किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगी। तो यानी जो आपका -2, 4 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, जो 3, -1 है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, -1 और 0 है वो आपका एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, और आपका 1, 2 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और -3, -5 है वो आपका किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपके पास क्या है, प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग स्टेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। यानी आपके पास सेम टाइप से इन्होंने क्या करना है, पॉइंट से इनको क्या करना है, प्लॉट करना है एक्स वाई के। तो सेम टाइप से जो इसका सॉल्यूशन होगा आपका वो क्या होगा, आपने सेम टाइप से आपका प्लेन बनाना है, कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपका क्या है, एक्स है तो ये क्या होगा हमारा, एक्स डैश होगा। ये आपका वाई है तो ये क्या होगा हमारा, वाई डैश होगा। अब आपके पास ये पॉइंट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। यहाँ पर आपका वाई नेगेटिव होगा, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, आपके पास जो एक्स है वो क्या है, -2, और वाई क्या है आपका 8। यानी कहीं ना कहीं आपका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, -2, 8। तो आपका एक्स -2 यहाँ पर है और वाई आपका 8 कहाँ पर है, +8 यहाँ पर है। तो जो आपको पॉइंट आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो जो ये आपका पॉइंट होगा क्या होगा, -2, 8, क्या होगा, -2, 8। जो सेकंड पॉइंट आपका -1, 7, -1, 7, तो यहाँ पर -1 आपका एक्स होगा, एक्स -1 आपका ये रहा, और वाई 7 आपका जो ये है पॉइंट। तो जो ये पॉइंट होगा आपका ये क्या आएगा, -1, 7। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट हो क्या है, 0, -0, -1.25। यानी एक्स आपका 0 होगा, तो एक्स 0 तो आपका ये है, और वाई क्या है, 1.25 नेगेटिव। तो आपका क्या आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा आपका, 1.5 आएगा, और इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 1.25 नेगेटिव। तो आपके पास एक्स 0 है, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा आपके पास, 0 एंड -1.25। नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट हो गया है 1 और 3, यानी 1, 3। अब 1, 3 मीन्स एक्स आपका क्या होगा, 1 होगा, और वाई क्या होगा आपका, 3 होगा। यानी ये आपका एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये वाई का है, तो वाई क्या आपका 3। तो यहाँ पर 1 और 3, यानी ये आपका जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा, 1, 3, क्या होगा, 1, 3। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका 3, -1, एक्स 3 आपका यहाँ पर है और वाई -1 आपका यहाँ पर है। तो जो आपका कोऑर्डिनेट होगा ये आपका क्या होगा, 3, -1। और वैसे इस क्वेश्चन को आप किस पेपर पर करेंगे, ग्राफ पेपर पर। तो ये आपने पॉइंट को लोकेट किया है। इस वीडियो हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।